एक तरफ आपकी बायोलॉजी है जिसको आप किस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि मेरे को सेंसरी प्लेजर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाए, मतलब मेरे को मज़ा आता रहे, मुझे कुछ करना ना पड़े, बढ़िया से बढ़िया सेंसेशंस मिलती रहे जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू होती है, जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जितनी भी तरह की प्लेजर्स होते हैं वो प्लेजर्स मिलते रहें और पेन ना हो। यस सर। तो बेसिकली जो फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब या तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, ये प्लेजर होता उससे बड़ा या एटलीस्ट उतना ही जितना कि वो है, वो जो सेंसरी प्लेजर्स हैं आपके लिए, है ना। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, वो आपके लिए पेन है, तभी तो वहाँ पे ध्यान को लगाना पड़ रहा है और ध्यान अपने आप कहीं और लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, कोई भी आपको एक मैप दे देते हैं अपनी डेथ से पहले कि बेटा ये मैप है, वहाँ जाएगा हमारे उस पुराने घर में, तेरे को वहाँ पे खोदना है और वहाँ पे नीचे ना कुछ खजाना दबा हुआ है जिसकी वैल्यू आज की डेट में करोड़ों रुपए की है। तो अब उसको खोदने में मानो 10 दिन लगने वाले हैं और आप किसी और की हेल्प नहीं ले सकते, नहीं तो सबको पता लग जाएगा। तो अकेले आपको खोदना है अगले 10 दिन तक, या ये मान लो अगले 1 महीने तक, वो काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटकम क्लियर है माइंड में कि 1 महीने बाद गारंटेड है कि मुझे ये मिल जाएगा। यस। अभी जो आप कर रहे हो वहां पे यही सर्टेन नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा। एक रेस है जहां पे आप चाहे जितना मर्जी तेज भाग लो, बट अकेले आपसे कुछ नहीं होता, बाकियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज भाग रहे हैं। अगर आपसे तेज भागने वाले बैठे हैं तो उनका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले करते हैं, उस मूमेंट में जिस वक्त आप वो एग्जाम दे रहे हो तब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, तो माइंड उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा। माइंड क्या बोलेगा अपने आप को कि मैं इतना एफर्ट करता रहा हूं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। जैसे अभी मैंने खजाने वाली बात करी, तो मानो आपके दादाजी ने, परदादाजी ने आपको कोई नक्शा नहीं दिया है, ऐसे ही आपने कहानियां सुन ली है कहीं से कि ऐसे खोदते हैं ना हम कहीं जा करके किसी किले में तो खजाना मिल जाता है, और आप खोदे चले जा रहे हो, कब तक खोदते रहोगे? गोली क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है। नहीं, गोल तो क्लियर है क्योंकि आपने कहानियां सुनी है बहुत लोगों से कि ऐसे ऐसे कुछ महल होते हैं पुराने, उनके आसपास में पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ घर होते थे वहाँ पे लोग ना अपने सोने के चांदी के सिक्के गाड़ के रखते थे, तो ये 4 घर हैं, अगर चारों को खोदोगे तो एक आध में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन कहानियाँ हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है, मे बी 1%। 99% क्या है कि चारों को खोदोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अब क्या होगा? दोनों में कुछ फर्क है, जो पहली सिचुएशन मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था कि दादाजी ने बताया और आप खोद रहे हो, और अब जब आपको पता ही नहीं है कि वहां से निकलेगा भी कुछ या नहीं निकलेगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा 4 महीने बाद, दोनों में एफर्ट में कुछ फर्क है? सर फर्स्ट में आउटकम पता है आपको कि यहीं पर ही मैं खोदूंगा तो मुझे खजाना मिल जाएगा, सेकेंड में मेरे को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उसके बाद पता भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दोनों में ये फ़र्क है कि वहाँ पर श्योरिटी है आपको कि हाँ यहाँ पर होगा, मेरा मेरे को मिलेगा, बट वहाँ पर श्योरिटी कम है, या फिर 1% जो आपने कहा वो कम है या बहुत कम है? बहुत कम है सर। कम में और बहुत कम में बड़ा फर्क होता है। कम मतलब क्या 50-50 है, बट बहुत कम मतलब क्या 1% सक्सेस, 99% फेलियर। क्या ऐसे ही नहीं है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? सर 1 out of 1000, 2000, 10,000, इवन वर्स देन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं तो कह रहा हूँ 1 out of 100, व्हाट यू आर सेइंग इज 1 out of 1000। प्रॉब्लम की जड़ मिल रही है आपको, पकड़ में आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकली या मेंटली, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जो आपको प्लेजर्स मिलते हैं उससे आप अपना ध्यान हटा सकते हो, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग आपको नजर आता है तो वहां से ध्यान हट जाता है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना, 1 महीने तक खजाना खोदोगे अपने दादाजी के कहने पर, तो उस वक्त क्या ये सब ध्यान आएगा कि मोबाइल पर कुछ देख लूँ? माइंड में गोल बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं एक खजाना खोदने का काम कर रहा हूँ, 1 महीने बाद यहाँ से कुछ निकलने वाला है।